मध्य प्रदेश का बजट पेश हो चुका है। चुनावी साल में हर वर्ग को खुश करने का प्रयास शिवराज सरकार ने किया है। किसानों से लेकर महिला एवं बेरोजगारों को खुश करने का प्रयास किया गया है। इस बजट सत्र में पोहरी विधानसभा को भी बहुत सी सौगातें मिली हैं। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के प्रयास से पोहरी क्षेत्र के 4 बड़े पुल की मांग पूरी हुई है, जो वर्षों से क्षेत्र की जनता मांग कर रही है। जरिया खुर्द की पार्वती नदी पर 8 करोड़ का पुल, खोदा नदी पर 9 करोड़ का एवं सोहर पर 5 करोड़ का पुल एवं पवा नदी पर 3,75,00,000 रुपए का पुल, इस तरह 27 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। शिवराज सरकार ने बच्चियों को अब स्कूल से कॉलेज जाने के लिए स्कूटी एवं महिला को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। इस बजट सत्र में जो स्कूली बच्चे हैं 12वीं जो पास करके जाते हैं, उनको खास सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, बताएं क्या? इस बजट में बहनों का इतना ख्याल रखा गया, पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी मुख्यमंत्री जी ने, अब की बार लाडली बहन योजना, तो उनका बजट रखा 8 करोड़ रुपए का उनका बजट है और सभी बहनों के लिए हम 1,000 रुपए प्रतिमाह सभी बहनों को देंगे। हमारी बेटियां स्कूल में जाती हैं, जो बेटी हमारी प्रथम नंबर पे आ गई उस बेटी के लिए हम स्कूटी देंगे। इस तरह पूरे प्रदेश में जाल हमने बिछाया, सभी बेटियों को स्कूटी देंगे। लाडली बहनों के लिए 1,000 रुपये पेंशन देंगे, भाइयों के लिए 4,000 रुपये मुख्यमंत्री सम्मान निधि दे रहे हैं, 6,000 रुपये हमारे प्रदेश देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। तो इसमें किसानों का भी सम्मान रखा और बहनों का भी रखा, किसान को 10,000, बहन को 12,000 और दोनों के मिला के 22,000 होते हैं। और घर में कई 5 व्यक्ति होते हैं तो 2,200, 1,10,000 मामा और मोदी जी हर साल हर घर को देंगे। ये बहुत बड़ी योजना, इससे क्षेत्र में लहर उठ पड़ी। अभी हमने विकास यात्रा को चलाया तो विकास यात्रा में स्थल लहर थी, और मैं कह रहा हूँ पहली बार है कि महिला निकल के घर से आए। 1,000-1,500 महिला हमारी मीटिंग में आती थी, सभा में आती थी, वो यही कहती थी कि मुख्यमंत्री हो तो स्वराज भैया जैसा हो, और इस राखी रक्षाबंधन विश्वास हम सैकड़ों बहनों को लेके जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी को राखी बनवाएंगे और धन्यवाद दे के आएंगे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इतनी अच्छी योजना हमको चला के दी। भैया मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो गया और बजट भी पेश हुआ है, इस बजट सत्र में क्या उम्मीद है, क्या पौरी को क्या सौगात मिली और प्रदेश में क्या सबसे बढ़िया सौगात मिली? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो बजट पेश हुआ वो किसान हितैषी बजट पेश था, यौवन के हिसाब से बजट था, किसान मजदूर व्यापारी सभी को हितों को साधते हुए ये बजट पेश हमने पेश किया है। और मेरी विधानसभा को इतना मिला के मैं कोई सोचता नहीं था, मेरे यहाँ कई सालों से 4 पुलों की मांग आ रही थी, कई सालें गुजर गई, 20 साल से तो मैं खुद देख रहा था लेकिन वो कोई पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अपने नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी को कहा, इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को कहा, तो उन्होंने और हमारे वित्त मंत्री जी को मैंने कहा, उन्होंने तत्काल मेरी बात से सहमत हुए और 4 पुलों को ऐसा किया पुल मंजूर। जैसे जरिया खुर्द में आप जाओ तो 4 अवल नदी है, गांव में घुस नहीं सकते। मैं एक बरसात में गया था तो ट्रैक्टर पर बैठ के पार कर गया, गाड़ी छोड़ के गया था। तो सबसे बड़ी खुशी है जरिया का पुल 8,13,00,000 रुपये का मैंने स्वीकृत करके दिया। दूसरा था एक खोदा में पुल था, बहुत बड़े दिनों से मांग थी उसकी, वो भी 9,39,00,000 का मैंने स्वीकृत करा के लाया हूँ। और एक सोनर मेरी विधानसभा क्षेत्र का 5,78,00,000 रुपए का ये भी मैंने स्वीकृत करा। और पवा के लिए तो ये दिक्कत थी कि हम कोलार विधानसभा में पार करते थे तो रास्ते ही नहीं थी, या तो शिवपुरी जाओ फिर पलोरा जाओ फिर खरैया, अब सीधा 8 किलोमीटर रह गया। पवा का पुल बनने से इतनी बड़ी सौगात क्षेत्र को लेके आओ कि बाकी पूरे जिसने सुना उसने इतनी सराह की और 10-50 फोन मेरे पास बधाई के लिए आए कि ये काम आपने बहुत नेक काम किया। तो ये सब कृपा श्रीमंत सिंधिया जी की और मुख्यमंत्री जी की कृपा है और पौरी के ऊपर है, इसलिए पौरी के विकास में कोई अड़ंगा नहीं लगता। और जो जो मैंने काम दिए सारे काम हुए और टोटल 27,05,00,000 रुपये के विकास करा के मैं लाया हूँ इस बजट में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।